हाय गाइस, आई एम फैजल खान एंड यू आर वाचिंग स्टार बॉडी वर्क्स। तो आज हमारे पास में BMW 5 सीरीज F10 है। तो इसका हम लोगों ने अभी सर्विस किया था रिसेंटली एंड अभी ब्रेक पैड चेंज किए हैं। तो अभी हम इसका सर्विस रीसेट करेंगे। तो सर्विस रीसेट का प्रोसीजर ऐसा है कि आपको गाड़ी इग्निशन ऑन करना है। इग्निशन ऑन करने पर आपको सर्विस ड्यू के मैसेजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे। जो जो सर्विसेज ड्यू है वो सारे मैसेजेस आके जाने के बाद में आपने ओडोमीटर दिख रहा है आपको 81,000, ये ओडोमीटर रीडिंग पे ये लेना है गाड़ी आ जाएगा। और मीटर में फिर इधर एक बटन है छोटा सा, उसको प्रेस करके रखना है। उसको आप प्रेस करके रखोगे तो आपको देखो ऑप्शन आएगा कि रीसेट पॉसिबल है रियर ब्रेक पैड का। और अगर आपको और कुछ उसमें चेंजेस करने हैं, सिंगल प्रेस इंजन ऑयल, देन सिंगल प्रेस व्हीकल चेक, फिर एक बार प्रेस करके छोड़ना है फ्रंट ब्रेक पैड। आपको अगर साइकिल थ्रू करना है मेनू को तो एक एक बार प्रेस करके छोड़ देना है बटन। अब हम रीसेट करेंगे। रीसेट करने के लिए आपको जो चीज़ रीसेट करना है उस पर उसको सेलेक्ट करके बटन को होल्ड करके रखना है। होल्ड करके रखोगे आप परफॉर्म रीसेट, ऑप्शन चेंज हुआ तो बटन छोड़ के फिर से प्रेस करके होल्ड करना है। होल्ड करके आपने रीसेट इन प्रोसेस, रीसेट सक्सेसफुल। ओके, अब यहाँ पे फिर आपको कुछ भी मैसेजेस इसके नहीं आएंगे। ओके, सारे जो है देखें ग्रीन में है। व्हीकल स्टेटस में आपको देखना है इधर सर्विस रिक्वायरमेंट्स, इधर हर चीज़ ओके दिखाई देगी। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज। Also please like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.